भारत आजाद है, हम आप सब स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहे हैं। जो जिसके मन में आता है वो राजनीति करता है, संसद चलती है, विधानसभाएं चलती हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री और सब लोग पदाधिकारी बनते हैं। वो है भाई साहब सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यदि वो न हो तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। और दूसरा देश जब आक्रमण करता है तो हमारे लोग शहीद होते हैं, उन शहीदों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और ये मांग पूरी नहीं हुई तो रमेश बाबा की कृपा हम पे है, ब्रज के ब्रज संत है, किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है, उसका चुनाव चिन्ह पेन है। कब तक करें निवेदन और विनती, अति सर्वत्र वर्षते 14वें समर्थन 19वें समर्थन। 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, ये बंद करवा दो जी। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी पर किसानों ने कांग्रेस की गलत नीतियों से परेशान होकर विश्वास किया। 2014 में इनके घोषणा पत्र की आप कॉपी शायद 28वें नंबर पेज पर इन्होंने शायद कंफर्म नहीं है स्वामीनाथन आयोग के लागू करने का वायदा किसानों से कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन किसान इनको लगातार समर्थन देता रहा है, भारतीय किसान यूनियन भानु की इस तरफ से पूरा समर्थन मिला है सरकार को, हमको बीजेपी समर्थित संगठन भी माना जाता रहा है। लेकिन अब हमें लगता है कि 2024 में शायद एक साल भी नहीं रहा और हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रहें, यह हमारे लिए संभव नहीं। इसलिए हमने एक राजनीतिक विकल्प भी खोजा है। अगर 2 महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घोषणा है, अगर 2 महीने में सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो अपनी बॉडी बना के हम 543 सीटों पर चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे किसानों को। और क्योंकि इस देश के लोकतंत्र ने सबको राजनीति का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, और शायद भाजपा को हमसे ज़्यादा किसी ने